गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दूध लेकर घर आ गए वापस खाने को। बुआ मेरा वेट कर रही है। इधर देखो भैया, निकू खेल रहा है और कह रहा बुआ तुम्हारा वेट कर रही है। कहाँ वेट कर रही है बुआ? ऊपर गेहूं धुलवाने के लिए। अच्छा, क्या कर रहे हो निकू? अच्छा, बुआ वेट कर रही है। अच्छा हाँ, गेहूं धुलने लगे भाई। हम एक बार देर बचवा दिया, एक बार लगवा के उसका तो ऐसे लग रहा है कि नीचे से काले काले पड़ गए। हाँ, मैंने कहा था आधी आधी करके बोरी धुलते हैं ना, पूरा एक बोरी पूरी धुल ली। पूरा धुल दो, और डालने के लिए हमारे पास कुछ और है नहीं। उस वजह से ये थोड़ा वो हो गए थे काले, जैसे मतलब काले नहीं कहेंगे पर हाँ ऐसे लग रहा था मुझे, हल्के हल्का कलर उनका वैसे हो गया। और इधर देखिए टमाटर वगैरह हमारे एकदम बढ़िया हैं, नए प्लांट्स काटे वो भी अच्छे हैं। मेथी पालक दोबारा काटना पड़ेगा। इधर पालक हो रहा है बढ़िया से। फूल देखिए कितने फूल खिलेंगे आज। फ्रेंड्स देखिए, रास्ते में बतख की टोली जा रही है, कितनी सुंदर। ये देखिए तालाब के किनारे ये सब जा रहे हैं, मेरे पास से ही गुजर रहे हैं। और ये डरते नहीं है, बीच सड़क पर टहलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। देखिए मुझे तो ये पंछी बहुत अच्छे लगते हैं, कोई भी पंछी हो, खासकर बतख कम देखने को मिलता है। देखो तो पानी पी रहे हैं सारे बतख, एकदम पास से वीडियो बना रहा हूँ मैं। हेलो हेलो पंछी, क्या हाल है, कैसे हो? बढ़िया। मुझे डर लग रहा है कहीं मुझ पर अटैक न कर दे ये, लेकिन ये भोले भाले पंछी होते हैं, अटैक करेंगे नहीं। इधर पानी पियेंगे और देखो तैरने लगे। किस किस को ये पक्षी अच्छे लगते हैं, बतख आप बताना जरूर फ्रेंड्स। मुझे तो अच्छे लगे, तो कदम रुक गए मेरे और प्रकृति का ये खूबसूरत पल मैंने कैद कर लिया आपको दिखाने के लिए। कैसा लगा आपको ये सब? जी सर टॉफी बांट दी बच्चों को, अब इसमें लगाएंगे पेड़। हाँ सर, आम के आम गुठलियों के दाम। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा रहा। कबाड़ से जुगाड़। हाँ तो ये सही है सर। हाँ, हाँ। अभी ज्यादा लगाएंगे और उसमें हरियाली फैल जाएगी। और क्या, बहुत अच्छा। नौ बजिया वगैरह कुछ फूल वाला नहीं लगाया जाएगा। हमारे हेड मास्टर हैं आप, आपका बहुत सहयोग रहता है। और हम बहराइच में आप ही के घर में रहते हैं। नहीं सर, बहुत बढ़िया, आप ही का घर है, आप ही के स्कूल में, आप ही के घर में, तो हमें ऐसे लगता है कि हम अपने ही आपका बड़प्पन है। बड़ा अच्छा लगता है आपके मार्गदर्शन में और आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। कई वर्षों से हम आपके घर में रह रहे हैं, आप जो तारीफ करते हैं वो हमारे गुरुदेव का घर है। तो ठीक है गुरु जी, चला जाए। ठीक है भैया, धन्यवाद जी। फ्रेंड्स 4:30 बज गए, घर आते आते सब्जी खरीदो, फल खरीदो और समय लग जाता है काफ़ी। दूर है मेरा स्कूल, 30 किलोमीटर पड़ता है एक तरफ से और दोनों तरफ से 60 किलोमीटर हो गया। 60 किलोमीटर यात्रा में पूरी करता हूँ प्रतिदिन। फ्रेंड्स इधर सामान ले लिया मैंने और अभी और लेना है, शाम हो चुकी है एकदम, सामान अभी काफ़ी बचा है, धीरे धीरे खरीद लूँ। फ्रेंड्स मार्केट से, स्कूल से घर, घर से फिर मार्केट और मार्केट से 3.5 घंटे में बहुत टाइम लगा है मुझे। भीड़ भाड़ इस बार में संभल के, टूटने वाली चीज नहीं बेटा इसमें, चलो इसको मैं लेके चल रहा हूँ, टूटना जाए इसमें। चलती का नाम गाड़ी है भाई, चलते रहो। ये त्योहार इतने मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज्यादा हो रहे हैं त्योहार, ऊपर से बड़े छोटे नाटे मोटे, भैया पता नहीं क्या क्या चल गया है। हम जब छोटे थे तो खाली होली दिवाली रक्षाबंधन थे, अब बड़े छोटे मोटे नाटे करवा चौथ और बड़रिया नौमी, पता नहीं क्या क्या। इधर आनंद तो इन लोगों के, हैप्पी
करवा चौथ आप सभी को एडवांस में, जो भी हमारी माता बहने व्रत रहती है हाँ। उनको हैप्पी करवा चौथ और उनके हस्बैंड को ढेर सारी शुभकामनाएं खर्चा करने के लिए और लंबी उम्र के लिए भैया मेहनत कर रही है महिलाएं व्रत रहती है पानी भी नहीं पीते नहीं जितना खर्च करोगे उतनी उम्र बढ़ेगी जितना रिचार्ज कराओगे उतना लॉन्ग लाइफ हाँ लॉन्ग लाइफ रिचार्ज अगर जितना जैसे रिचार्ज होगा वैसे ही होगा उतनी शांति होगी घर में वैसे ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है ये तो जस्ट फॉर जोक मान्यताएं हैं चीजों की श्रद्धाएं हैं चाय पी लीजिए सर बहुत लेट हो गए देखो अंधेरा हो गया है एकदम से क्योंकि चार साढ़े चार बजे तो उधर से लौटते हैं आते आते साढ़े पांच हो गए हैं सबको कुल मिलाकर मैं ये जरूर कहूंगा खर्चा भले ही आप महिलाओं के लिए कम करिए या ज्यादा करिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन केयर जरूर करिए क्योंकि ये हम लोगों के लिए व्रत रहती हैं सपोर्टफुल उसके बाद जो है पानी भी नहीं पीती मेहनत करती है अपनी साड़ी और दो तीन लोगों की कमेंट आई थी रेड कलर तो कहीं ना कहीं आप लोगों की मैचिंग सही है साड़ी रेड कलर की है फिलहाल वो नहीं है जो आप लोगों ने वीडियो में देखी थी ये साड़ी दूसरी है उसका शायद तो क्लिप नहीं पड़ा था उसमें वीडियो में ये साड़ी है रेड कलर की बताना कैसी लग रही है ये इस बार रेड रेड साड़ी पहनूंगी मैं रेड साड़ी रेड चूड़े ये साड़ी बताइएगा जरूर कैसी लगी मेरी साड़ी वैसे सुंदर लग रही है साड़ी अच्छी लग रही है पहनने पर कैसी लगती है वो बता दूंगा और एक साड़ी लाई थी मैं दीदी के लिए अपनी छोटी वाली दीदी के लिए लाई थी साड़ी उनकी भी साड़ी ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि मेरा फेवरेट कलर तो मुझे पसंद नहीं आता है ये देखो ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी ऐसा लग रहा था कि इसको मैं रख लूँ और रेड वाली दे दूँ ऐसा लग रहा था पर करवा में मुझे रेड ही पहनना है ना इसलिए रेड मुझे लेना पड़ा और ये दीदी के लिए रख दिया मैंने दोनों साड़ियों से बताना कौन सी ज़्यादा बेस्ट लग रही है ये और या ये मेरे पास वैसे इसमें भी है इसलिए और नहीं देखो जुड़ी है या पुरानी है एडवांस गिफ्ट वाह क्या बात है सर क्या बात है अब तो मैं रात को 12 बजे भी व्रत ना खोलूंगी सुबह खोलूंगी अच्छा तो मैं सारी रात और रहूंगी व्रत दोगुनी उम्र हो जाएगी मैं वो फनी नहीं बनाना चाहिए वो फनी वाला कोई काम नहीं है हाँ। मन से रहते हैं मन से रहना चाहिए वैसे सर क्या पसंद है आपकी एकदम बहुत ही अच्छी लग रही है बताइए अगर आप लोग वैसे ये आज तुमने गलत दिया मुझे ये कल दिए होते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता गिफ्ट के तौर पर हो जाती है गिफ्ट के तौर पर हो जाती है बहुत सुंदर लग रही है पायल देखो इसका है बहुत सुंदर लग रही है क्या पसंद है तुमने की थी किसी लेडीज से करवा के लाए थे मुझे ऐसा लग रहा है किसी बहन जी से करवा के लाए होंगे या कोई रही होगी कोई भी एक्स वाई जेड बहने तो बहुत होती है दुकान बड़ी है जहाँ से हम लाते हैं तुम्हारी पसंद तो ऐसे नहीं हो सकती लेडीज जैसी है पसंद करा लो कोई मना तो तुम्हारी पसंद तो लेडीज जैसी नहीं हो सकती वैसे बहुत सुंदर लग रही है एक नंबर लग रही है बस गलती कर दी है तुम कल देना अब कल क्या तो हुआ मुझे कल का कल देखा जाएगा कल के लिए फूल लेते हैं कल का कल नहीं यही मैं पकड़ा दूंगी तुमको ये मुझे दे देना दोबारा से बहुत सुंदर लग रही है आप लोग बताना कैसी लग रही है पायल मेरी मुझे एडवांस गिफ्ट मिल चुका है इस बार पहली बार गिफ्ट मिलवाया था मैंने तो पायल जोड़ने के लिए भेजी थी मेरी पायल टूट गई थी तो ये मुझे एडवांस गिफ्ट मिला है वैसे मेरे मंगलसूत्र की वो भी टूटा पड़ा है ऐसा पता होता कि ऐसे आएगा कोई कुछ नया हो के तो इसको छोड़ के वो वही पकड़ाई होती तो ज्यादा फायदे में रहती है ना थकान मुझे बहुत हो रही है कुल मिला के क्योंकि स्कूल से घर लौटकर अगर रेस्ट न मिले सीधा मार्केट चले जाएं तो बहुत थकान हो जाती है वही मैं भी कह रही थी और अब सीधा फ्रेश फ्रेश होके मुंह हाथ धुल के सीधा सोना है कुछ खा पी के
बहुत अच्छी लग रही है, एक नंबर है सर। आज सच में मन खुश कर दिया सर ने इसी बात पे। सर के लिए चाय, डूब गया मेरा इसी बात पे। सर आपके लिए चाय, पहली बार मुझे करवा में कोई गिफ्ट मिला है, फर्स्ट बार गिफ्ट मिला है। पिछली बार भी दिया था पर इतना बड़ा गिफ्ट नहीं था। नाश्ता तो नहीं चाहिए सर, नाश्ता तो नहीं चाहिए आपका, वंदन अभिनंदन। नाश्ता तो नहीं चाहिए सर? ना भैया, नाश्ता चाय के बदले में इतना खर्चा और नाश्ता के बदले फिर पता नहीं कितना खर्चा हो जाएगा। चाहिए वो तो बताओ ना, इधर लिक्कू सोया पड़ा है बस। और आज ये दृष्टि रखो, और आज अभी मुझे मेहंदी भी लगानी है तो इसलिए मैं किचन का काम है ना बहुत जल्दी। आज की मेहंदी लगाने कोई स्पेशल इंसान आ रहा है, आएंगे तो दिखाएंगे जरूर। ट्यूशन वाली मैम दिखाएंगे जरूर अगर आएंगे तो, इसलिए मैं सोच रही हूँ फटाफट से खाना बना दूँ क्योंकि 6 बजने वाले और 8 बजे तक खाना वाना बना के फ्री हो जाएंगे, तब 11-12 बजे तक लग पाएगी मेहंदी। क्योंकि मेहंदी लगाने में टाइम लगता है, दोनों हाथ पर लगानी है मुझे, वो भी भर के आगे पीछे एकदम भर के। तो फ्रेंड्स मम्मी बनाने जा रही है फ्रेंच फ्राइज, और क्यों इनको ये बताइएगा पहले, इनको फ्रेंच फ्राइज क्यों बोलते हैं? फ्राइज भी बोल सकते थे, फिंगर्स बोलते हैं कई, फ्रेंच फ्राइज बोलते हैं कुछ बोलते हैं। हमारे घर पे आने वाले हैं इंडियन फ्राइज, हमारे घर पे आने वाले कुछ गेस्ट, उनके लिए बना रही हूँ इंडियन फ्राइज। और ये बच्चों ने कट किया है, देखो बहुत अच्छे से कट किया है, एकदम अच्छी शेप दी है। और ये इसका बना रही हूँ तो चटनी, मैं बना रही थी खाना तो खाना खाने का किसी का मन नहीं है, कह रहे ये बनाओ, पर ये मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी क्योंकि अगर ज्यादा खाऊंगी तो कल मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा खाऊंगी और कुछ खुद के लिए कुछ दलिया वगैरह बना लूंगी।